गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंपल मशीन चैप्टर के लॉ ऑफ मशीन ये टॉपिक पे हमने कुछ बात किया था। अभी हम लोग अलग अलग कंपाउंड मशीन्स देख रहे हैं, जिसमें पहला मशीन है अपना सिंपल स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का मतलब क्या बेटा, जो हम लोग गाड़ी का पंक्चर निकालते हैं उस वक्त जो जैक यूज किया जाता है, दैट इज द स्क्रू जैक। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्रेडिंग, जो दो थ्रेडिंग के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम लोग पी बोलते हैं, दैट इज पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, तो उसका आपको बेसिकली सिंपल स्क्रू जैक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी रेशियो का, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है आपका 2πL/P और πD/P। ये फॉर्मूला है आपका डायग्राम में, रेगुलर लेक्चर्स में हम लोगों ने वो सब डिटेल में देखा ही है। स्क्रू जैक हैज एफर्ट वेल। सबसे पहले मुझे समझ में आ गया कि मशीन कौन सा है। सिंपल मशीन में से स्क्रू जैक मशीन है। Has effort wheel diameter, effort wheel diameter, effort wheel diameter मतलब master D कितना है 200 mm है, and pitch कितना है 5 mm है। मैंने वो लिखा, a load of 1000 newton, load मतलब क्या बेटा W, lifted by an effort बोले तो P, कितना दिया है 150 newton। Find the efficiency, एफिशिएंसी का मतलब कितना है ईटा। फाइंड द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमें बेटा इसका जानना है। तो सबसे पहले इसमें एल तो नहीं दिया, डी दिया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होगा आपका πD/P। तो पाई आपने पाई लेना, पाई कैसे लेना, शिफ्ट और एक्सपोनेंशियल का बटन दबा के पाई आता है उधर। डी का मतलब कितना है 200 है और पिच ऑफ स्क्रू कितना है 5। अगर ये आपने कैलसीपे देखा तो आपका आंसर बोलो कितना होता है, देखो कैलसीपे 125.66, दिस इज माय वेलोसिटी रेशियो। बात समझ में आ रहा है आपको, तो ये वेलोसिटी रेशियो आ गया। फिर उसके बाद हमें वीआर पता, अभी एफिशिएंसी। हाँ, तो उसके लिए पहले एमए भी जान दो। व्हाट इज द एमए, एमए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज W/P। व्हाट इज W, what is W 1000 and what is P 150, 1000/150 किया अपन ने, तो ये आता 6.667। ओके, दिस इज माय एमए। अभी मुझे क्या चाहिए बेटा, एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपका MA/VR/100। व्हाट इज माय एमए 6.667, व्हाट इज माय VR 125.66 into 100। आपके पास कैलसी है तो कैलसी पे ये सब वैल्यू देखो और मुझे बताओ। बोलो बेटा कितना आ रहा है, आपका आंसर आता है 5.30। दिस इज माय एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है आपको, तो ये आपका सिंपल स्क्रू जैक का एग्जांपल है। होप सो ये आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहो बेटा। ठीक है, लिख लिया बेटा। अभी हम लोग आगे का टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। इससे पहले हमने सिंपल एक्सल एंड व्हील देखा है। मेरे पीछे बात करो, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, दो एक्सल एक व्हील, बोलो दो एक्सल एक व्हील। तो व्हील बेटा एफर्ट का काम करता है और एक्सल जो है वो लोड उठाने का काम करता है। या सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील इज 2D/D1-D2। दिस इज द वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। इन द डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, मैंने बताया एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप रखना, मुझे मशीन समझ में आ गया कौन सा मशीन है, दैट इज डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील है। द डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील
दैट इज द एफर्ट रेशियो. वेलोसिटी रेशियो में एफर्ट कहाँ रहता है बेटा, ऊपर रहता है. तो दिस इज योर मास स्टडी, डायमीटर ऑफ एफर्ट विल इज मास स्टडी सेंटीमीटर में, ओके नो प्रॉब्लम. एंड दैट ऑफ एक्सेल्स आर, एक्सेल्स आर ये भी सेंटीमीटर में, इसलिए नो प्रॉब्लम. इसलिए ये हो गया डी वन, ये हो गया डी टू. अगर ये एमएम में होता तो एक सेंटीमीटर का एमएम में करना पड़ता, नहीं तो एमएम का सेंटीमीटर में करना पड़ता. इफ एन एफर्ट ऑफ, एफर्ट बोले तो क्या होता है बेटा, पी. कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ, लोड बोले तो क्या होता है, डब्ल्यू. व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब ईटा. जो गिवन है बेटा वो लिख लो, मशीन है डिफरेंशियल एक्सटर्नल व्हील, मास्टर डायमीटर है उसका 40 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ वन ऑफ एक्सल कितना है 10 सेंटीमीटर, और सेकंड का कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर है. पी दिया उन्होंने 15 न्यूटन, जब डब्ल्यू है आपका 1500 न्यूटन, एंड दे आस्क्ड अस फॉर द एफिशिएंसी. तो डरना नहीं, ये सब दिया है. तो सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, MA अपॉन VR into 100. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ MA पता है क्या, नहीं. तो पहले MA आप जान सकते हो, एंड व्हाट इज योर MA, W अपॉन P, एंड व्हाट इज योर W, 1500. व्हाट इज योर P, 50. ठीक है, तो ये 5, ये गया एक कैंसर, तो ये होता है 30. तो माय MA इज 30. यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, हाँ, बिकॉज दोनों यूनिट सेम है. देन आपका है वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2. व्हाट इज डी, डी मेरा क्या है, डी 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 हाँ ये डी है मेरा 40. डी वन माइनस डी टू मतलब 10 माइनस 8 मतलब ये होता है 80 अपॉन 2. तो योर आंसर इज 40. तो वेलोसिटी रेशियो इज माय 40. जो है उसको ब्लॉक करना भूलना नहीं. एमए मिल गया, वीआर मिल गया, अभी मुझे चाहिए एफिशिएंसी. तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एमए अपॉन वीआर इनटू 100. तो व्हाट इज माय एमए, 30. व्हाट इज वीआर, 40 इनटू 100. तो ये कितना आता है बेटा, 3000 अपॉन 40. तो ये लगभग आपका 75% आ गया. ठीक है, तो माय एफिशिएंसी 75%. यही डिफिकल्ट है क्या, नहीं. अभी तक हमने लॉ ऑफ मशीन देख लिया, हम लोगों ने उसके बाद सिंपल स्क्रू जैक देखा, अभी हम लोग देख रहे डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील. चलो ये नोट डाउन कर लो जल्दी.